हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। गर्मा गर्म मूँग की सब्ज़ी दिख रही है ना, स्वादिष्ट, और मुंह में पानी भी आ गया कि कितना अच्छा लग रही है। आइए बनाते हैं। मैंने एक कप खड़ी मूँग लिया था, हरी वाली, देख लीजिए इस तरीके से। उसको एक पानी से धोकर फिर भिजा कर रख लिया है। लगभग 4 घंटे आप इसको भिजा के रख दीजिए, ये अच्छे से फूल जाती है और सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी हो जाती है। अगर आप इसको अंकुरित करना चाहते हैं तो 4 घंटे भिजाने के बाद कॉटन के कपड़े में बांध के रख देंगी तो अंकुरित हो जाएगी। तो अभी हम सिर्फ सब्ज़ी के लिए कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ भिजा के रख दिया। और 4 घंटे बाद देखिए, मैंने कुकर में इतना पानी डाला है और उसमें हल्दी और नमक डाल के रख रही हूँ। और उसके बाद एक बर्तन में मैं थोड़ी सी लहसुन और 2 टमाटर, 2 छोटे प्याज, मिर्ची और थोड़े से काली मिर्च के दाने और 1 बड़ी इलायची डाल रही हूँ। और इसको हम 4 से 5 सीटी होने देंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए, क्या अच्छा लगा कमेंट भी कीजिए। ये मैंने 4 सीटी में मेरी ये मूँग अच्छे से गल गई है, देखिए एकदम अच्छे से गल गई। जिस सब्ज़ी के लिए चाहिए उसे रेडी हो चुकी है। और प्याज टमाटर भी अच्छे से गल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा करके टमाटर के छिलके निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो उसी तरह मिक्सर में सब एक ही साथ पीस लीजिए। और एक प्याज अलग से बारीक बारीक काट लीजिए, पतला पतला काट लीजिए तड़का देने के लिए। और कड़ी पत्ता रेडी कर लीजिए, देखिए ये अच्छे से गल गया है। थोड़ा सा मूंग इसके अंदर आ गया, कोई बात नहीं, उसको भी पीस लेंगे, ग्रेवी हमारी और अच्छी होगी। तो इसमें मैंने तेल गरम किया, उसमें जीरा डाला, और जीरे के बाद फिर एक जो प्याज काटा था मैंने वो प्याज डाला है और कड़ी पत्ता डाला है। जब तक जीरा तड़क तड़क नहीं करता है ना, तब तक उसमें दूसरा कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जीरा जब तड़क तड़क कर लेता है तभी उसका स्वाद बढ़ जाता है सब्ज़ी का। तो अच्छे से जीरे को तड़क होने दीजिए, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाला है और कड़ी पत्ता डाला है, और टमाटर और प्याज लहसुन ये सब का ग्रेवी जो पीस के रखा था उसको डाल दिया। अब इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे हम, और साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। जैसे मैंने एक गरम मसाला डाला है, और काश्मीरी लाल मिर्च डाली है, धनिया जीरा पाउडर डाला है इसके अंदर, और नमक डाला है। और सब्ज़ी में मैंने पहले से ही हल्दी और नमक डाला था, इसलिए मैंने थोड़ा ही नमक डाला है। तो आप भी अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इसको चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। देख लीजिए किस तरह से भून रही हूँ मैं, इसी तरह भून लेना है। जब ग्रेवी का पानी जल जाए और कढ़ाई ग्रेवी को छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि ये भुना गया है। देखिए ये भुना गया है लगभग। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि ये अच्छा इसका सोनपन जो होता है ना वो आ जाए। अब इसमें जो मूंग था उबला हुआ हमारा, इसमें डाल देंगे। देखिए एकदम आसान रेसिपी है, और खाने में किसी भी महंगी रेसिपी को ये टक्कर देगी। और बरसात के दिन में तो ऐसे ही साबुत अनाज मूंग आप खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारी सब्ज़ी लगती है। अब थोड़ा पानी डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और थोड़ा टाइम के लिए ढक देंगे। जब अच्छे से मसाला इसे मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी दिखेगी, और खाने में उतना ही अच्छा और टेस्टी लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप साबुत अनाज की सब्ज़ी बनाए हैं, साबुत मूंग की सब्ज़ी बनाए हैं। एकदम गल जाएगी ये सब्ज़ी, देखिए एकदम गल चुकी है, और बहुत ही टेस्टी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसमें इसी पे क्या करेंगे हम, थोड़ी सी हरी धनिया को काट के डाल देंगे। हमारी ये मूंग की सब्ज़ी तैयार है। तो गर्मा गर्म रोटी के साथ में, या परोठे के साथ में, या पूरी के साथ में परोसते हैं। एकदम आसान रेसिपी है, मैंने आपको बहुत आसानी से बताया भी है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए।